मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला उत्पम। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, आधा कप दही, एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो मीडियम साइज के टमाटर कद्दूकस किए हुए, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधी गाजर कद्दूकस की हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, आधा चम्मच सरसों के दाने, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम एक कटोरे में एक कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, आधा कप दही, आधा चम्मच नमक डालकर मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर इस तरीके से तैयार हो गया है। इसे बनाने में हमने एक कप पानी का यूज किया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी और चावल अच्छे से फूल जाएं। आधे घंटे बाद हम बैटर को खोल के देखेंगे और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये उत्पम का बैटर इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम उत्पम का मसाला तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में दो छोटी चम्मच तेल डालकर तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम आधी चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। फिर हम इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज डालकर प्याज को एक मिनट तक बराबर चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे। फिर हम इसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, कद्दूकस किए हुए टमाटर, एक छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ढककर इन सब चीजों को हम दो मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। दो मिनट बाद खोलकर हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिला देंगे। और धनिया पत्ता डालकर हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये उत्पम का मसाला अब रेडी हो गया है। अब हम उत्पम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम गैस को ऑन करके पैन में थोड़ा सा तेल डालकर पैन को हम चिकना कर देंगे। फिर हम इसमें एक चम्मच बैटर डालकर थोड़ा सा फैला देंगे। उसके बाद इस पर हम जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था वो डालकर इस पर फैला देंगे। और ढककर उत्पम को हम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद उत्पम को हम पलट देंगे और ढककर 1 मिनट तक हम और पका लेंगे। 1 मिनट बाद हम खोलकर देखेंगे, ये मसाला उत्पम अब बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरा और बाकी उत्पम भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
ये हमारे सारे मसाला उत्पम बनकर तैयार हैं। आप इसे चटनी के साथ सर्व करें। इसे आप सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।